अभी फिलहाल एक ही है ये रहा। ओ, पानी में कैसे कूद के गया है ये। तो ये जो मेरा नया डेजर्ट वाला जू है, इसमें पहले इस वाले लायन हैबिटेट में सिर्फ एक ही लायन था, वो भी व्हाइट वाला था, और मुझे कोई दूसरा लायन मिला नहीं व्हाइट वाला। तो जो एक अकेला लायन था वो जो है रेस्ट इन पीस हो गया, तो ये वाला हैबिटेट खाली हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अब चार लायन लिया हूँ, दो मेल लायन है और दो फीमेल लायन है, एक फीमेल लायन ये रही और एक इधर है यहाँ पे। तो अभी जस्ट मैं इनको यहाँ पे लेके ही आया हूँ, तो थोड़ी देर में यहाँ पे जो है और लायंस होने चाहिए। और इस लायन हैबिटेट की कैपेसिटी 23 या 24 की है, तो इजिली यहाँ पे काफ़ी सारे लायंस रह सकते हैं, कोई इशू होगा नहीं। उसके अलावा जो यहाँ पे ये हैबिटेट था, इसमें भी मैं जो है चार बंगाल टाइगर ले आया हूँ। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स मुझे रखने हैं, बस ये लड़ने लग गए आपस में। अबे क्यों लड़ रहे हो? ओ इन्होंने तो जो है हद ही कर दिया। मैं यहाँ पे हर हैबिटेट में 20-25 एनिमल्स रखने की सोच रहा हूँ और ये आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। बाकी आज यहाँ पे ये वाली मोनोरेल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और कुछ नए हैबिटेट बनाने वाला हूँ, क्योंकि अब इस वाले गेम में जो है फंडिंग का इशू नहीं है। इस वाले गेम में अभी मेरे पास काफ़ी सारी फंडिंग आ गई है यहाँ पे नया काम करने के लिए, क्योंकि इसे मैं अब दूसरे मोड में खेल रहा हूँ, सैंडबॉक्स वाले में। उसमें जो है पैसों का इशू नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ और जू को चला सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है एक ये नया हैबिटेट तैयार करने के लिए जो है लास्ट टाइम यहाँ पे दिखाया तो था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है थोड़े से ये ट्रीज वगैरह लगाए हैं ताकि ये वाला हैबिटेट सेपरेट रहे और यहाँ से बाहर से दिखे ना। इस वाले हैबिटेट में जो भी एनिमल रहेगा वो अपने जितने भी विजिटर्स हैं वो अंदर जाके देख पाएँ। तो इस वाले हैबिटेट का भी पहले काम कंप्लीट करता हूँ, और इस वाले हैबिटेट को मैं एलिफेंट्स के लिए सोच रहा हूँ कि एलिफेंट्स के लिए ये वाला हैबिटेट जो है ना स्पेशल अलग से बना दूँ। तो अभी पहले इसकी मुझे फेंसिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे फेंसिंग मैंने इधर तक तो कर दिया है, और ये इलेक्ट्रिक वाली फेंसेस हैं, तो ये वाला इसका फैंस का काम तो कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिक वाली फेंसेस है तो ज़्यादा ऊंचा करने की ज़रूरत भी नहीं है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो एनिमल जो है इनके पास ही नहीं आता। बस यहाँ से मुझे एक गेट बनाना है अंदर जाने के लिए, गेट तो मैं ये वाला बना देता हूँ, और एक यहाँ से रास्ता बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे एलिफेंट यहाँ लेके आने हैं। एलिफेंट को लाने के बाद जो है यहाँ पे अंदर जितना ही मुझे एलिफेंट के लिए रुकने के लिए जगह बनानी है, खाने की बनानी है, पीने का बनाना है, और उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा पॉन्ड भी बनाना है, वही मैं बनाता हूँ। और अपनी जो रेलवे लाइन का ट्रैक है वो बिल्कुल इस वाले हैबिटेट के साथ से जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जब मैं एलिफेंट ले आऊँ, एलिफेंट को देखने के लिए कुछ गेस्ट अपने जो है इस वाली मोनोरेल के अंदर भी बैठ जाएं, और ये वाली मोनोरेल में भी जो है कोई ना कोई विजिटर्स आने लग जाएं, क्योंकि अभी तो एक खाली चल रही है। इसे भी स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं यहाँ से रास्ता बनाऊँ, क्योंकि बिना रास्ते के कीपर्स यहाँ पर ला नहीं पाएंगे एलिफेंट को। और ये ट्रीज मैं यहाँ से हटा दूँ, ये ट्रीज की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ते का काम तो कंप्लीट हो गया, अब मैं पहले एलिफेंट ले लूँ वाले मार्केट से, तो एलिफेंट तो मिल जाएंगे इजीली। इंडियन एलिफेंट लाने मुझे यहाँ पे, तो इंडियन एलिफेंट जो है दो मेल मिल रहे हैं, दो फीमेल मिल रहे हैं, दोनों को ही ले लेता हूँ और इन सारों को भेजता हूँ इसके अंदर। और जरा मैं एक बार जाके मोनोरेल को भी स्टार्ट कर दूँ, और मोनोरेल जो है मैं यहाँ पे अभी एक ही चला रहा हूँ या दो है, तो ये मैं ओवर एड कर देता हूँ, यहाँ पे पाँच कर देता हूँ। और ये स्टेशन अनपावर्ड है, मतलब जो यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मर लगा के था वो काम नहीं कर रहा। पहले मैं राइड कस्टमाइज़ कर दूँ, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स में यहाँ पे 5 कर लेता हूँ। इसमें डब्बे कितने रहेंगे वो मैं जो है डब्बे कम कर देता हूँ, डब्बे इसमें जो है 4 ही रखता हूँ। और ये अभी ऑन तो नहीं होगा, यहाँ पे मैंने जो है ट्रांसफार्मर लगाया तो था, ट्रांसफार्मर शायद इसके नीचे नहीं, ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ पर सेपरेट लगाया था अलग से साइड में, ये यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो रखा है, इसके अंदर तो आग लग रखी है, और ये वाटर फिल्टर वाला भी ख़राब हो रखा है। मकैनिक क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? मकैनिक को असाइन तो किया हुआ है, मकैनिक का जो है टाइम इंटरवल में यहाँ पे आने का 1 साल का है। इसको हर महीने कर देता हूँ, ये हर महीने अपने आप आके रिपेयर करता रहेगा यहाँ पे, इसका तो हर महीने का ही हो रखा है। और अब जो है मैं थोड़ा सा स्टाफ और हायर कर लेता हूँ, क्योंकि अपना जू जो है थोड़ा बड़ा होने लग गया है, तो और स्टाफ भी चाहिए। और स्टाफ में सबसे पहले तो मकैनिक ही हायर करता हूँ। पाँच नए मकैनिक हायर कर लिए और 5 डॉक्टर हो गए, और बाकी केयर टेकर और कीपर वगैरह तो काफ़ी हैं। अभी एजुकेटर हायर करता हूँ 2, और ये जो है अब वाटर फिल्टर वाला भी ठीक हो गया, पानी फिल्टर होने लग गया यहाँ पे, और इधर ट्रांसफार्मर भी ठीक हो गया। और अब मैं ये वाली ट्रेन जो है स्टार्ट कर सकता हूँ, अब तो यहाँ पे पावर्ड हो गया, इसको मैंने ओपन कर दिया, आप देखते हैं खोई तो आना चाहिए यहाँ पे। और इधर जो है एक हैबिटेट बना देता हूँ, हैबिटेट बनाऊँगा तो यहाँ पर जो है कोई ना कोई तो देखने आएगा ही। वैसे इधर कोई घूम तो रहा है, कौन है? तो अपना स्टाफ ही है। तो जो मोनोरेल का ट्रैक है इसके साथ में सारे में हैबिटेट बनने वाले हैं आगे तक। तो अभी यहाँ पे जो है बेसिक हैबिटेट की मैंने बाउंड्री तो कंप्लीट कर ली है, ये सिंगल हैबिटेट नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे हैबिटेट बनाऊंगा अलग अलग।
ये तो जो है पूरी बाउंड्री वहाँ तक लेके गया हूँ। अब इसमें से जितना मुझे हैबिटेट का एरिया चाहिए उतना मैं सेपरेट कर लूँगा। जैसे पहला हैबिटेट तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक रख लेता हूँ। इसमें मैं लाने वाला हूँ साइबेरियन टाइगर, ये वाला एक हैबिटेट हो गया साइबेरियन टाइगर के लिए। और यहाँ से अब जो है इसको मैं आगे लेके आता हूँ रास्ते को पूरा, क्योंकि यहाँ पे रास्ते की ऑप्शन भी होनी चाहिए। मतलब वो रास्ते से भी आ सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं। ये रास्ते का काम भी हो गया। अब इधर के लिए जो है पहले मुझे एक गेट लगाना पड़ेगा। गेट लगा देता हूँ मैं इधर की साइड, यहाँ पे गेट हो गया। अब यहाँ पे परचेस करता हूँ साइबेरियन टाइगर। तो साइबेरियन टाइगर भी चार मिल रहे हैं, चारों परचेस कर लेता हूँ। तो साइबेरियन टाइगर यहाँ पर शेड्यूल कर दिए। और इधर देख लूँ एलिफेंट्स इधर आ तो गएंगे। ओ एलिफेंट्स ने यहाँ पे फेंसिंग भी तोड़ दी इतनी जल्दी आके, क्योंकि इन वाली फेंसिंग में भी पावर नहीं थी। मैं पावर यहाँ पे देनी भूल गया था, इन्होंने पूरी की पूरी तोड़ ही दी। ये फटाफट से रिपेयर करता हूँ और इन एलिफेंट्स को यहाँ पे अभी कैप्चर करवाना पड़ेगा। ये छोटे छोटे एलिफेंट थे बट ये जो है बाहर भागने लग गए। तो एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ प्लेस करना पड़ेगा ताकि इन वाली फेंसेस में जो है इलेक्ट्रिसिटी आ सके और ये एलिफेंट यहाँ से इन फेंसेस को तोड़ ना सके। तो ट्रांसफॉर्मर मैं यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ, उधर छुपा के लग जाएगा। फेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी आ गई होगी, हाँ अब तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। और एक रास्ता मुझे यहाँ से स्टाफ के लिए देना पड़ेगा ताकि और मैकेनिक यहाँ पे आके रिपेयर कर सके। ये स्टाफ के लिए रास्ता हो गया और एक एलिफेंट जो है अभी बाहर ही रह गया है। इसे भी तो कैप्चर करना है, इसे भी कैप्चर कर लेता हूँ, इसे ही पहुँचाता हूँ अंदर। तो ये एलिफेंट अभी अंदर जाएंगे, इतने इनके लिए मैं यहाँ पर रुकने के लिए कुछ लगा देता हूँ। और कोई एलिफेंट तो बाहर शायद निकला नहीं है। ये ट्रेन अभी चली क्यों नहीं, ट्रेन तो इधर आ ही नहीं रही है। एक मिनट पहले मैं इसे देख के आऊँ, कोई आया ही नहीं है, इसलिए जो है ये वेट कर रही है। और इसका अभी जो है वेटिंग टाइम भी मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ। वेटिंग टाइम इसका मैंने 500 सेकंड कर रखा है, तो इसको थोड़ा कम करके 300 सेकंड कर देता हूँ। मतलब 5 मिनट वेट करेगी, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर जो है चलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे साइबेरियन टाइगर भी आ गए हैं। साइबेरियन टाइगर सही लग रहे हैं, साइबेरियन टाइगर थोड़ा सा ज़्यादा हैवी सा होता है, बंगाल टाइगर से तो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। ये साइबेरियन टाइगर और कितना ज़्यादा बल्की लग रहा है। और इधर मैं बंगाल टाइगर को देखूँ तो बंगाल टाइगर है ये रे, ये इतना बल्की नहीं लग रहा, बट ये दोनों देखने में ना ऑलमोस्ट सेम से ही लगते हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है इनमें। और इधर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ लग गई है, अब तो यहाँ पे काफ़ी सारे विजिटर्स आने लग गए हैं। तो कुछ इधर मोनोरेल में राइड लेने भी आ ही जाएंगे, अभी लग तो रहा है इधर तक आने वाले हैं। वैसे इधर की साइड ना हैबिटेट एक और बना दूंगा मैं यहाँ पर, तो फिर शायद आने लग जाएंगे। अभी तो जो है काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो मुझे परचेज़ करने हैं। क्या हो गया एलिफेंट, अब तो बाहर नहीं निकलने चाहिए, ये टूटा रह गया यहाँ से इसलिए बाहर निकल रहे हैं। ये रिपेयर नहीं हुआ शायद इधर से ना, एक मिनट सारे को रिपेयर कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे मुझे एक और ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा क्या, अभी एक और ट्रांसफार्मर अगर लगाना है तो एक और ट्रांसफार्मर मैं इधर की साइड लगा देता हूँ यहाँ पे। एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से भी जो है एक साइबेरियन टाइगर बाहर निकल गया, इधर भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाया था। ट्रांसफार्मर के बिना तो जो है ये वाली फेंसेस किसी काम की नहीं है। तो ये नॉर्मल बेसिक बाउंड्री की तरह काम करती हैं, और जब इनमें जो है पावर आ जाती है तब ये प्रॉपर काम करती हैं। तो अभी तो इनमें पावर आ नहीं रही, ये वाला ट्रांसफार्मर यहाँ तक पावर दे नहीं पा रहा है। तो इसके लिए देखना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे कहीं, यहाँ तो ये ट्रैक हो गया, इधर लगा सकता हूँ, यहाँ पे खाली जगह है। और एक बार मैं देख भी लूँ, शायद साइबेरियन टाइगर के लिए थोड़ी हाइट भी ज़्यादा चाहिए। अबे कहाँ भाग के जा रहा है, वहाँ पब्लिक को डरा के भगाया गया साइबेरियन टाइगर का। एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, शायद मैंने 2 मीटर का कम लगाया है, उससे ज़्यादा चाहिए, और 3 मीटर चाहिए साइबेरियन टाइगर के लिए। तो ये थोड़ा सा जो है इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, इसकी जो बाउंड्री है इसकी बाउंड्री की हाइट मैं बढ़ा देता हूँ, इसको इंक्रीज़ करके 3 मीटर कर देता हूँ, 3 से भी ज़्यादा ही कर देता हूँ, 4 मीटर ही कर देता हूँ। अब ठीक है, अब नहीं निकलेंगे बाहर। एलिफेंट वाले में तो आ गए सारे सारे एलिफेंट अंदर। और अब एलिफेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले तो पानी का इंतजाम कर दूँ इधर की साइड, पानी का इस साइड करता हूँ, यहाँ पर ठीक रहेगा। पानी का ही बना दिया, इतना काफ़ी है, इसमें बस पानी भर देना है, ऊपर तक भर दिया। तो पानी का तो इनका इंतजाम हो गया यहाँ पे। और अब इनके रुकने के लिए हैबिटेट देखना है कि हैबिटेट कौन सा सही रहेगा इनके लिए। ये वाला लगाता हूँ, ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये पूरा मड़ का है। और ये जो है 2-3 लगा देता हूँ, अभी फ़िलहाल 2 ही लगाए हैं, 2 में देख लेते हैं यहाँ पर एलिफेंट आके रुकते या नहीं रुकते। वैसे रुकना तो चाहिए, सही लग रहा है एलिफेंट्स के हिसाब से तो। और इनके अब खाने का और पानी का देखना है। खाने के लिए तो जो है ट्रे लगानी है, पहले खाने के लिए ट्रे देख लूँ, इस वाले ट्रे में आ जाएगा, पोर्टेबल फूड है। और पानी के लिए तो नॉर्मली जो है ये वाला वाटर पाइप लगा देना है।
और अभी यहाँ पे तीन ही क्यों दिख रहे हैं, ये चारों ने चाहिए, मैंने चार मंगाए थे। तो एक यहाँ पे है, ये रहा पेड़ों के साइड में है। और वैसे यहाँ पे मेरे को ना और काफ़ी सारे पेड़ लगा देने चाहिए, क्योंकि एलिफेंट्स के लिए ठीक रहेगा। यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कुछ पेड़ भी लगाता हूँ बड़े बड़े। तो ये वाले ट्रीज हैं, ये यहाँ लगा देता हूँ इधर की साइड ना, जहाँ पे इनका शेल्टर है। इधर थोड़ा सा जो है ये धूप से बचे रहेंगे इनसे। और दूसरे वाले ट्रीज जो हैं ये वाले हैं, ये वाले तो मैं जो है अभी इधर ज़रूरत नहीं है। और कोई बड़ा ट्री मेरे को मिल नहीं रहा, थोड़ा इससे भी कोई बड़ा ट्री हो ना तो वो मैं लगाऊं। वैसे ये वाटर बनाना वाले ट्री तो लगा ही देता हूँ, ये तो इनका जहाँ पे ये मैं पानी का बनाया है इसके पास लगा देता हूँ। ये बनाना ट्री है, और बनाना ट्री दो तीन तरह के हैं, अलग अलग भी लगा देता हूँ। ये हाथ हो गया पानी के पास। अभी जो है इसमें और देखना पड़ेगा, और उसके डेकोरेशन के आइटम क्या क्या मैं ला सकता हूँ। और ये अभी ट्रेन चल तो रही है, और अपने पहले दो कस्टमर भी आ गए हैं ट्रेन के। ये दो यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, तो इससे कंफर्म हो गया कि विजिटर्स यहाँ पे ट्रेन में बैठने लग गए हैं। और मैंने जो एलिफेंट के हैबिट बनाया है इसके लिए जो है यहाँ पे देखने भी आ रहे हैं, और इधर साइबर एंड टाइगर वाले में भी देखने आ रहे होंगे, इधर भी आने लग गए हैं। इनकी प्रोटेस्ट क्यों शुरू हो गई, अबे क्या इशू हो गया, ये इन्हें भी खाना वगैरह नहीं दिया है इसलिए जो है इनकी प्रोटेस्ट शुरू हो गई होगी। तो यहाँ पे फटाफट से पहले टाइगर्स के खाने का भी लगा देता हूँ। तो टाइगर्स के खाने के लिए तो जो है ट्रे यूज़ होगी ये वाली, और पानी के लिए तो सेम वही पाइप वाला लगा देता हूँ। यही से वेरीफाई भी कर लेता हूँ। अभी तो हाँ आ गया सुटेबल फूड, यहाँ पे कीपर को बुला लेता हूँ। और अब टाइगर्स के लिए शेल्टर भी बनाना है। और टाइगर को जो है प्यास भी लग रही थी, पानी पीने भी आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे पानी का पाइप वाला ये सिस्टम लगाया है, वैसे ये दोनों दोनों पानी पीने आ गए। यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पानी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे मैं इनके हैबिटेट में थोड़ा सा यहाँ पानी का ही बना लेता हूँ, ये इतना काफ़ी है पानी का इनके लिए। बस ये पानी का हो गया, तो ये पानी में जो है थोड़ा तैर भी लेंगे। और अब इनके रुकने के लिए जगह बनानी है, क्योंकि इनके लिए शेल्टर नहीं बनाया मैंने अभी। तो इनके लिए जो है मैंने शेल्टर लगा दिया, और ये काफ़ी सारे यहाँ पे आइटम पड़े हुए हैं इनके अरेंजमेंट के। और ये भाग के आ भी गया इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे इस शेल्टर के चारों तरफ ट्रीज हैं और ऊपर भी ट्रीज हैं, तो ये शेल्टर में जो है अंदर थोड़ी ठंडक रहेगी, इसलिए ये वाला शेल्टर जो है इन्हें काफ़ी पसंद आया। और तीन तो आ गए भाग के, एक और वहाँ बैठा हुआ है, वो तो कुछ और करने में लगा हुआ है, वो भी आ ही जाएगा अपना काम तमाम करके वहाँ पे। और ये सही लग रहा है इधर, और ये वाला शेल्टर तो सही है, इनका तो सही हो गया इंतज़ाम। और इसमें अभी और भी चीज़ें मैं लगाऊंगा, एक और ट्रेन जा रही है, इसमें भी देख लूँ, इसमें कोई बैठा ही नहीं बैठा, इसमें अभी कोई नहीं बैठा। थोड़ी देर में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ लगने लग जाएगी, सब आने लग जाएंगे। अभी इधर विजिटर्स आ तो रहे हैं, और एक ट्रेन और चलने वाली है, इसमें तो बैठ गए, इसमें तो जो है छः तो ये दिख रहे हैं, और पीछे तो कोई नहीं है, छः इसमें भी बैठ गए, मतलब ये वाली ट्रेन भी जो है चलने लग गई है। और अब यहाँ पे मुझे जो है ना, एक तो अपने यहाँ के जू की जो है मेन बिल्डिंग लगानी है। अभी तक मैंने जू की मेन बिल्डिंग नहीं लगाई है, मतलब जो अपना मेन ऑफिस रहने वाला है इस जू का। और वो मेन ऑफिस मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं इधर लगा दूँ, इधर की साइड भी ठीक रहेगा, या फिर उधर वहाँ पर लगाऊँ, नहीं इधर ही लगाता हूँ, इधर ही ठीक रहेगा, यहाँ पर ये एरिया थोड़ा सेपरेट ही है। तो ये अपने जू की मेन बिल्डिंग, और इसके अंदर ज़्यादातर वैसे सारे ऑफिस हैं, अभी तो ये बंद पड़े हैं। ट्रांसफार्मर वगैरह, वाटर फिल्टर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा दिए हैं। अभी जो है इसका काम थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अभी जो है पूरा कंप्लीट करने में। यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टाफ। और वैसे इस बिल्डिंग को मुझे थोड़ा सा इधर की तरफ प्लेस करना चाहिए था, थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं। अब यहाँ से जो है स्टाफ दिख रहा है, अब जब यहाँ से जू से एंट्री करेंगे तो स्टाफ लिखा हुआ आएगा। और किसके अलावा यहाँ पे कुछ डेकोरेशन के आइटम और लगाने हैं, वो भी लगाता हूँ। एक तो ये मुझे लगाना है पानी के अंदर, और इसके साथ में एक ये यहाँ पे जो है वुड्स का बनाना है। इसके अंदर भी कोई एनिमल तो है, ये भालू सा लग रहा है, जैसे वुड से भालू बना रखा हो। तो इसमें तो ये हिरन टाइप का सा लग रहा है, ये स्टैचू सा यहाँ बना रखा है। और इधर वाले में ये तो जो है वुल्फ है, और यहाँ पे एक जो है वुड वाला भालू बना रखा है। तो ये तीन चीज़ें मैंने डेकोरेशन की और नई लगा दी हैं, बाकी यहाँ पे डेकोरेशन का अभी और भी काम करना है। और अभी गेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और शोर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मचा दिया इधर। और इधर मैं चार बंगाल टाइगर लेके आया था, अब हो चुके हैं पाँच या छः हो चुके। ये जो छोटा बंगाल टाइगर है ये काफ़ी सही लग रहा है। और एक इधर भाग के गया, ये था ये पानी पीने आया है। तो दो नए बंगाल टाइगर और आ चुके हैं, और अब देख लेते हैं कि लाइन वाले में क्या स्टेटस है। तो लाइन वाले में काफ़ी अच्छी खासी भीड़ लगने लग गई है, और एक छोटा लायन और आ चुका है ये रहा। और एक ही दिख रहा है अभी तो फ़िलहाल, और तो नहीं है।
और देख के आता हूँ बाहर, क्या पता हो एक और नहीं है अभी फिलहाल, एक ही है ये रहा। ओ पानी में कैसे कूद के गया है, ये झरने में नहाने गया है और सही झरने में एंजॉय कर रहा है, इसको तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे पानी में। ये तो यहाँ पानी में तैर रहा है, ये तो कुछ देर यहाँ पानी में ही तैरेगा, अभी इसको पानी में ला देता हूँ। और यहाँ पे हिप्पो थे दो, तो यहाँ पे भी छोटे हिप्पो आ चुके हैं। और ये क्या इसने थोड़ी थोड़ी चला दी यहाँ पे, इसका भाई अलग ही सीन है। तो इधर भी तीन हिप्पो हो चुके हैं, तो इस वाले में मेंड्रिल है, मेंड्रिल भी यहाँ पे छोटे वाला एक आ चुका है। बाकी अब जो है मैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला हूँ और बहुत जल्दी इस जू का जितना एरिया है वो सारा का सारा फुल हो जाएगा। और यहाँ पे एक से एक एनिमल आएगा और एक से एक हैबिटेट मैंने जो है प्लान कर रखा है और उनका मैंने ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। तो अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 3-4 दिन के अंदर ये जू जो है काफ़ी बड़े लेवल पर रेडी हो जाएगा। और उसके अलावा एक जू और मैंने देखा है, वो माउंटेन्स पर है और वो काफ़ी सही है और पहले से बना हुआ है। तो उस वाले जू में जो है नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, वहाँ पे भी उस वाले जू को एक्सप्लोर करूँगा। तो बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।